गाइज हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है। है हमारी लाल घोड़ा लाल घोड़ा। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं समोद, इसलिए विशाल को जाना है समोद प्रसाद चढ़ाने के लिए। बताते हैं आपको आज की कहानी, पहले तो वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा। तो आज हम जाने वाले थे समोद और विशाल ने मैंने बोला विशाल को कि सुबह मेरे को उठा देना, फ़ोन कर देना तू। तो भाई बंदा उठ गया टाइम पे और फ़ोन करा मेरे को और मेरे फ़ोन उठा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन DND पे हो गया गलती से। DND पे क्यों हो गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मेरा फ़ोन रात को 11 बजे DND पे हो जाता है और सुबह 6 बजे के आसपास अपने आप खुलता है। तो जिसके कारण उसका फ़ोन नहीं उठा पाया और रात भर मेरे को पता नहीं नींद नहीं आई ढंग से। 1:30-2 बजे के आसपास सोया था मैं, तो जिस वजह से मेरी नींद भयंकर लग गई थी और फ़ोन DND पर था, सुनाई नहीं दिया। विशाल का फ़ोन आ रहा है मैसेज और फिर 7-8 फोन आ गए थे, इंस्टा पर सॉरी व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रखा। ये मैं निकला, मेरी आँख खुली अचानक से 8:25 पे, भाई मैं मर गया। फिर मैं विशाल को फ़ोन कर रहा हूँ धड़ाधड़, 3-4 फोन करे मैंने उसको, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं सोचा भाई निकल गया वो तो, और मैं यार पहले तो उसको वहाँ भूल दिया, अब मैं जा नहीं पाया उसके साथ में। फिर मैंने उसको मैसेज वैसेज बोले सॉरी भाई यार मैं पता नहीं क्या हुआ, नींद लग गई, फ़ोन भी सुनाई नहीं दिया, DND पे था। तो मैं उसको बोला भाई अब बस। फिर मैं उसको 2-4 व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैं वापस हो गया। तो फिर उसका 2 मिनट बाद वापस मैसेज आया, क्या कर रहा है, मैं तो रेडी हूँ। बोला हाय बच्चे अभी तो घर पे, फिर उसको फ़ोन आ गया इतनी देर में वापस, बोला क्या कर रहा हूँ यार इतने देर से हो गया। तो बोला कोई बात नहीं अभी तो मैं रेडी हो गया हूँ तू आ जा। मैं बोला बस अभी जस्ट निकल ही रहा हूँ मैं, 5 मिनट में पहुँचता हूँ। तो ये चोट हो गई थी आज हमारे साथ, बच गए। वैसे मैं अभी ना आ के नहीं आया हूँ, जैसे मुँह उठा के आ गया हूँ, फ्रेश होके आ गया। तो बस आपके आज की कहानी में आगे घुमाते हैं तो मेरी आप घुमाते और मिलता हूँ आपको डायरेक्ट आगे। सो गाइस हम अभी पहुँच चुके हैं और अभी तो विशाल ने ताला भी नहीं खोला घर का। ओह शिट। पहुंच चुके हैं और गाड़ियां हमने पार्किंग में खड़ी कर दी गई है। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर के ऊपर तो पहुंच चुके हैं, नीचे का कोई भी सूट नहीं किया मैंने क्योंकि मैं विशाल बात करते करते बिना रुक के बीच में कहीं भी नहीं रुके हम और सीधा ऊपर तक आ गए एक स्ट्रेच में, क्योंकि बीच में रुक जाते ना तो
पैर भी दर्द करने लग जाते हैं और क्या फिर चढ़ा नहीं जाता, तो इसलिए हम वन सिंगल स्ट्रेच में ऊपर चढ़ गए। इसलिए मैंने ब्लॉग ब्लॉग सूटने का, क्योंकि ब्लॉग बनाने के चक्कर में रुक जाएंगे फिर और लेट होगी। ये भी सैटरडे है आज, और आज का ब्लॉग मैंने घर पर स्टार्ट कर दिया था। और अभी हम मंदिर के ऊपर पहुँचे गए, जैसे पीछे दिख रहा होगा मंदिर है ये इसके पीछे की साइड में। और अभी हम टॉप ऑफ द व्यू, एंड हमारा फ्रेंड आ गया हमसे मिलने के लिए। तो अभी विशाल गया प्रसाद लेने के लिए, तो अभी हम मंदिर में दिखाएंगे आपको वापस जाके। ये मेरा यहाँ पर मैं लगभग फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम आया हूँ। दो तीन बार तो हम विशाल, सेकंड टाइम विशाल के साथ है, एक बार हम हमारे पहली राइड थी ग्रुप की तब आए थे, एक बार मैं मेरी फैमिली के साथ आ चुका हूँ। ऐसे करके चार या फिर चौथी या पांचवी बार हूँ मैं यहाँ पे। एंड ये जगह जब हर टाइम आते कुछ ना कुछ न्यू ही मिलता है यहाँ पे। अब न्यू इस बार यहाँ की जो पीछे के साइड में जैसे ये बना हुआ है, उस साइड में ये पीछे के साइड में और बन रहा है। और यहाँ पे रास्ते, इस साइड वाला देखो रास्ता ब्लॉक कर रखा है, यहाँ से पीछे वाले साइड में से रास्ता खोल दिया है अभी। तो इस साइड में अपन को चढ़ने में और भी ईजी होगा, क्योंकि पहले यहाँ से बाहर घूम के पूरा आना पड़ता था, जिसके कारण और टाइम लगता। पर कोई नहीं, अभी जो भी है बढ़िया है। एंड अभी हम जल्दी से यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के नीचे मिलते हैं। और रास्ते में भाई चम्मू के अंदर जैसे ही घुसे इतनी भयंकर ठंड हो रही थी, और जैसे ही थोड़ा सा चम्मू क्रॉस किया एकदम ऐसे गर्मी सा माहौल हो गया, क्योंकि साइड में बहुत फवारे फवारे चल रहे थे इसके कारण। तो यहाँ है मंदिर का बैक साइड का मेन एंट्रेंस, हम आए स्लोप वाले रास्ते से, सीढ़ियों से नहीं आए। पिछली बार भी हम यहाँ से आए थे। एंड ये है मिठाई की दुकान, तो अभी हम लेक के मिठाई अंदर चलते हैं। गाइज हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है। क्यों हंस रहे हो भाई? करा को बात लगे बन रहे पे, अपना कोविड प्रमाण पत्र साथ में रखें। यहाँ का प्राइमरी रास्ता जो सीढ़ियों से आता ऊपर, एंड हियर इज विश्राम ग्रह है ये। काफी पब्लिक आ रखी है आज यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं अंदर, अंदर कैमरा नॉट अलाउड है। कहाँ जाना है भाई? सत्तासी सैंतीस रहा।
था कि ऐसा पेंट सा दिखवाना है। सो गाइस वी आर इन पार्किंग, गाड़ी निकाल रहे हैं, निकले हैं जल्दी से, नहा धो के ऑफिस भी जाना है। दिक्कत तो ये है वरना तो आराम से निकलते हैं ऐसे। अंकल का लिखने का स्टाइल मस्त है, चौक भिगो के लिख देते हैं फिर उसको गीले तौले से मिटा दिए, दाग वाग भी नहीं लगेगा। है हमारी लाल घोड़ा लाल घोड़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड अभी हम लोग घर पे निकल रहे हैं। आज का व्लॉग ये भी बहुत शॉर्ट हो सकता है, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।